सबसे पहले तो मैं ढेरों बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं लोगों की सुविधा के लिए, यातायात की बेहतरी के लिए, एटमॉस्फियर नेचर की बेहतरी के लिए। ये जो प्रयास इतने समय से चल रहा है, इससे जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, आभार जताना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम तो उस दिन न सिर्फ ताली बजाएंगे, यहां पर डांस करेंगे खुशी से जिस दिन ये ब्रिज पूरा होगा। मैं इस संदर्भ में एक वाक्य सुनाना चाहता हूं आपको, एक इंसिडेंट। शशि रंजन अनुरंजन दोनों मेरे प्रिय मित्र हैं, हम दोनों एक ही समय पर यहां फिल्मों में काम करने के लिए आए थे। भाई समान हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई जो पिता समान होते हैं, उम्र में नहीं, एक्सपीरियंस में, विजडम में। चुप लड़की, बदतमीज। तो अक्सर मैं शशि रंजन अनुरंजन से पूछता रहता था, ये ब्रिज का हो क्या रहा है? तो वो कहते थे कि कोई ना कोई बाधा नेचर को लेके, एटमॉस्फेयर को लेके आ रही है किसी ना किसी तरह से। ये मोटे शब्दों में था। मेरे क्लासमेट हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जस्टिस अर्जुन सीकरी, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और पंजाब के चीफ जस्टिस, हरियाणा के चीफ जस्टिस, फर्स्ट जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी इन सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट। तो मेरे मित्र हैं, मैं उनके साथ उनके घर पर डिनर खा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, दोस्त है मेरे, तो इसलिए मैंने कहा, अर्जुन एक पर्टिकुलर ब्रिज बनने से लोगों को बहुत सुविधा होगी, क्योंकि सारा ट्रैफिक सिग्नल्स पर 20-30 मिनट एक्स्ट्रा खड़ा रहता है, हर जगह पर दिक्कत होती है। इसे आई एज अ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड गिव दैट वर्डिक्ट इन अ सेकंड के ब्रिज बनना चाहिए। क्यों? जो वहां पर पेट्रोल की फ्यूम्स हैं उन रेड सिग्नल्स पर, जो लोग काम के लिए लेट हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, सिग्नल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये सारी मुसीबतें, एंड प्लस अ लॉट ऑफ फ्यूम्स, लॉट ऑफ पेट्रोल इज बर्न एंड सेंट इन टू द वाटर। इसे मैं बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन नहीं दूंगा, पर मैं ब्रिज बनाने के लिए एक मिनट में, एक सेकेंड में परमिशन दे दूंगा, एंड इफ द नीड बी आई विल सिट इन अ कार एंड विजिट दैट लोकेशन। तो इतना सुंदर बात कही मेरे दोस्त जस्टिस अर्जुन सीकरी ने, जो मैंने मेरे मित्र शशि रंजन अनुरंजन और अभिनेत्री और रियल लाइफ में भी अभिनेत्री महिमा चौधरी से शेयर किया कि भाई ऐसे ऐसे जस्टिस ने बहुत एनकरेजिंग बात कही है कि क्यों नहीं इस लॉजिक को, इस बात को उन सब लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आई एम वेरी हैप्पी, शशि की बात में ये बात शामिल थी कि उन्होंने भी ये लॉजिक दिया कि इससे किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि फायदा हो रहा है, क्योंकि जितना पेट्रोल हम जला रहे हैं उतना ज्यादा हम लोगों की सेहत खराब कर रहे हैं उस सिग्नल से। थैंक यू वेरी मच, बस यही कहना चाहता था। वंस अगेन ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। एंड जैसे मेरे प्रिय डायरेक्टर महेश भट्ट साहब कहते हैं कि आपकी कमर तब थपथपाएंगे जब मिशन कंप्लीट हो जाए। अब हम आपका धन्यवाद कह सकते हैं, शुक्रिया कह सकते हैं, और आपकी कमर थपथपाएंगे, आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहेंगे उस दिन जब यहां पर फंक्शन होगा इसके कंप्लीशन पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।